पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे और पूरा क्रू मेहनत करेगा, डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। फीलिंग सो एक्साइटेड, यू नो फर्स्ट फिल्म होती है किसी की भी, तो ऑब्वियसली बात है कि एक्साइटमेंट तो होती है। हाँ, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और एम एस नागर जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड गीता तोमर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे ये चांस दिया, मुझ पर बिलीव किया, तो आई फील वेरी। नहीं, कितनी अच्छी स्टार्ट मानती हैं आप इस फिल्म के जरिए, यू नो अमूमन लोग छोटे टीवी का टेलीविजन का सहारा लेते हैं और कहीं और ट्राई करते हैं, यू स्टार्टेड विद द फिल्म, कितनी अच्छी स्टार्ट मानती हैं अपने कैरियर के लिए, अब डेब्यू कर रहे हैं इससे। डेब्यू कर रहे हैं, स्टार्ट तो ऑब्वियसली बात है, अब उन्होंने मुझ पर बिलीव किया है। हाँ, मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे जॉनर पे बनी है। अब ये नहीं होता कि एक हाई बजट होता है एक लो बजट होता है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक लो बजट में भी एक हाई बजट मूवी हम दिखा सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं ऑडियंस को। तो हाँ, इट्स अ कॉमेडी जॉनर मूवी और हमने बहुत अच्छा एंटरटेन किया है इस मूवी में, और इट्स लाइक रोमांटिक मूवी, कॉमेडी जॉनर एंड रोमांटिक मूवी, तो बहुत मज़ा आया मूवी करने में, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। हाँ, यस यस एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है, हमारी स्क्रिप्ट हमारी बहुत अच्छी है, हम सिर्फ कहते हैं ट्राई कर सकते हैं, बट एक ट्राई करके देखना कि हाँ ऑडियंस को पसंद आता है, हमने वेल ट्राई किया है, अब लेट्स सी कि ऑडियंस को कैसा लगता है कैसा नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी ऑडियंस से कि हम लोगों ने इसमें बहुत हार्ड वर्क किया है एंड सब कहते हैं ना, हर एक जॉनर को इस मूवी में डाला है और रोमांटिक सीन्स दिए हैं, तो अब लेट्स सी कि ऑडियंस कैसे आती है कैसे नहीं, हमने तो जस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑडियंस का आना ना आना। ऑब्वियस, थैंक यू। अंग्रेजी में जवाब देने वाला नहीं हूँ, पूछो। एज अ राइटर पूछना चाहूंगा मैं आपसे, कुछ कॉमेडी जॉनर की फिल्में मैं समझता हूँ हर हफ्ते रिलीज होती हैं जी, किस तरह की कॉमेडी इसमें देखने को मिलेगी, और क्या ऐसा आपने लिखा बट किया था, किस तरह से लिखी है, स्क्रिप्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है? स्क्रिप्ट की तो बहुत ज़्यादा ही कीमत होती है, और इस फिल्म में हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा फ्रेश दिया जाए, वैसे तो कॉमेडी फिल्में एक ही जैसी होती हैं, ठीक है, हमने सोचा कि नए लोगों के साथ अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए, तो हमारे हिसाब से कहानी तो बहुत अच्छी है, बाकी तो दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते हैं। अमूल क्या होता है, कॉमेडी के नाम पे वल्गरिटी भी परोस दी जाती है, अगर आपके टीम की बात करें वो कितना ध्यान रखा है आपने कि कुछ वल्गर ना हो, कुछ यू नो फैमिली कैन वॉच इट? जी बिल्कुल, इसमें वल्गरिटी थोड़ी भी नहीं रखी हमने, और डायलॉग में बिल्कुल हमने कंट्रोल रखा हुआ है, अपने अंदर ही रखा हुआ है, एक भी वर्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो फैमिली के साथ नहीं देख सकते, सबके साथ, पूरे बच्चे बूढ़े जवान जितने भी लोग सब देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को। कॉमेडी में एक लाइन ये भी बहुत होता है कि वन लाइनर बड़े फेमस होते हैं, आप भी को सुन के ऐसे है, अगर इस फिल्म की बात करें तो वन लाइनर भी बताना चाहेंगे आप? इसमें वन लाइन में अभी हम क्या बताएं, वैसे मैं आपको स्टोरी लाइन के एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, ग्राफ बता देता हूँ, लड़के हैं सारे दोस्त हैं और कॉलेज छोड़ के इनके माँ बाप इनको घर से निकाल देते हैं कि सालों तुम लोग कुछ कमाते नहीं हो, घर का उड़ाते हो, इससे अच्छा तुम लोग जाओ अपने पैरों पर खड़े जाओ, और इनको पड़ी रहती है कि जल्दी से हम करोड़पति बन जाएं। ये निकलते हैं, प्लान करते हैं, एक बंगलो में आते हैं जहाँ हीरोइन का पहले ही बंगलो रहता है, इनको लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, सुनसान बंगलो है, उसके अंदर 50 करोड़ छुपाया रहता है। अब उसके चक्कर में ये लोग आते हैं वहाँ पे और पता चलता है कि पहले से ही वो लोग आके बंगले वाले रहते हैं उसमें। उसके बाद हीरोइन इनके ऊपर जो अपने परिवार के साथ आती है वो इनके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाती है, ये जाते हैं वहाँ पैसे ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए कि मिल जाएगा मुझे, लेकिन इनको पैसे नहीं मिलने के बजाय ये लोग हावी हो जाते हैं और इनको बंधक बना लेते हैं, घर के काम काज ये वो सारा करवाते, ये लोग बिल्कुल तंग आ जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि हीरोइन सोचते हैं कि इनको किसी भी हालत में यहाँ से भगा दो, और वो लोग सोचते हैं कि अगर हम भाग जाएंगे तो 50 करोड़ मिलेगा नहीं, यही कसम पूरी कहानी निकलती रहती है और लास्ट में इनको पैसे उधर जो भी है वो हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। हेलो,
कंठे च मुक्तावली गोपिकृष्ण विजयते गोपाल चूड़ामणि आदो राम तो पवनादिगमन तो अमेरिका कार्यम वजे लंकापुरी तान पाश्चात इतनी राम आदो देवी की दिव्य गर्जन रूपी गेह वर्धन मायापुत जीवता गोर्धनो धारम कंसा छेदन को राजु कुंज स्थापालन इतत भागवत पुराण कृतम त्रिकृष्ण लीला नतम महागणाधिपतये नमः ओम सर्व मंगल मांगल्ये सर्वार्थ हरि ओम स्वस्ति न इंद्र प्रेत स्वाह स्वस्ति न भोगा विस्मिदाह स्वस्ति न सरित प्रेत स्वामृत अभिष मात्रा शुभम अन्य जो विश्वी दीवा जो अतिथि विधोर अतिथि माता सविता सुपुत्र विश्वी दीवा अतिथि जना अतिथि जाति दो ओम देव शांति देव प्रति शांति राप शांति को सुधर शांति को सुधर शांति विश्वी दीवा शांति तुम शांति शांति को ओम तुम आकराज तेन वक्रतुर महाकाय सूर्य कोटि सम प्रवाह निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सर्व मंगल मांगल सर्वार्थ साधिक त्रंबके गुरो ब्रह्मा गुरो विष्णु गुरुदेव महेश मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पुण्य मंगलाय तन हरि ओम त्रिलक्ष्मीपते नमः ओम त्रिमाता पितु चरण कमल ओम त्रि गुरुवे नमः सकल कामना सिद्धि अर्थे ध्यान आर्थे कुशोचितम समर्पयामि ओम त्रि गुरुवे नमः माता पितु चरण कमलेभ्यो नमः गौरी सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्माथ प्रणमा मुर्मुह नमो दिव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः नमः प्राकृत्याय भद्राय निहता प्रणताय स्मता पंचदैवमेतोक्तं सर्व कर्मसु पूजिते ओम त्रिगुण महाकाली ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु सर इधर देखिए Yeah, 1 minute, please. Ma'am. Thank you. Love intention, job, what you are doing in this? I'm playing an item song in this film. And I got this opportunity to work with Ms. Geeta Tomar and Mr. Nagar. They gave me this opportunity, ek item number karne ka. Aur is item number ke bol bahut hi acche hai. Humne shooting ki hai Karnal mein. Noor Mahal ek bahut hi famous location hai wahan ki. Wahan par humne shooting ki. Aur ye gaane ke jo bol hai wo bahut hi catchy hai. And I'm really very excited. मुझे लगता है कि ये गाना जब एडिट होके आप लोगों के सामने आएगा तो वाकई बहुत अच्छा लगेगा। क्या ब्रीफ था यू नो एक गाना जब भी कोई आइटम सॉन्ग करा जाता है इट हैज टू बी इन अ ब्रीफ वे एक लाइन होती है जो बहुत चाहे वो शीला हो चाहे मुन्नी हो अगर आप इस गाने की जो गाना आप कर रहे हैं लव इंटेंशन उसकी अगर बात करें तो क्या लाइन होगी उसकी द वेरी कैची लाइन द कैची लाइन इज के ससुरी जवानी बड़ी बेईमान है
दिस लाइन आई मीन आई एम श्योर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल. बहुत ही कैची लाइन है. इवन जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो मैंने देखा कि जो वहाँ पे जो जूनियर आर्टिस्ट थे और जो क्राउड था वो बार बार इस गाने को गुनगुना रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे. हमने पूरी रातों रातों को जाकर इस गाने को शूट किया है. तो आई एम श्योर द रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग. जितना अच्छे से हमने शूट किया है अगर उतना ही अच्छे से एडिट होता है तो दिस गाना इज़ गोइंग टू बी अ गुड हिट. ओके, जैसे आपने कहा, एज यू सेड, यू मस्ट बी वेयरिंग यू नो सेक्सीस आउटफिट इन द सॉन्ग. Yes. आइटम सॉन्ग्स आर ऑलवेज अबाउट द सेक्सी कॉस्ट्यूम ओनली. ऐसा कोई आइटम सॉन्ग नहीं होगा जिसमें सेक्सी कॉस्ट्यूम एक्ट्रेस नहीं पहनती होगी. तो ठीक है, हाँ, मैंने भी एक ग्रीन और एक पिंक कलर का सेक्सी कॉस्ट्यूम पहना है और इट्स अ इंडियन आउटफिट. तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. लव एंड टेंशन में जो कास्टिंग है वो नए लोग हैं, बट सब ने बहुत मेहनत की है. सब लोगों ने अपने किरदार को बाखूबी अंजाम दिया है. न्यू कॉमर्स हैं बट दे हैव लिटरली पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट. बहुत मेहनत है एंड आई एम श्योर वो स्क्रीन पे जब फिल्म रिलीज़ होगी तो मेहनत आपको दिखाई देगी. प्रोफेशनल फिल्म दिस अर्लियर टू दिस आई डिड अ फिल्म सरफरोशी ऑल्सो. नाउ दिस वन मोर फिल्म इज़ गोइंग टू हैपन. नाउ आई एम लुकिंग एट सम बेटर बैनर्स, सम बिग बैनर्स. सो दिस वन फिल्म विच इज़ देयर इन द पाइपलाइन एंड आई हैव केप्ट माई फिंगर्स क्रॉस्ड. इफ आई साइन दैट फिल्म आई मीन दैट विल बी लाइक अ गुड ब्रेक फॉर मी. अदर देन दैट आई कीप ऑन डूइंग ट्रैवलिंग फॉर डांस शोज, रियलिटी शोज. आई रिसेंटली डिड अ रियलिटी शो फॉर सन टीवी, देन आई डिड अ रियलिटी शो फॉर रिलायंस बिग मैजिक. सो रियलिटी शोज आर ऑन विच आई कीप ऑन डूइंग एंड देन डांस शोज ऑल द टाइम आई कीप ऑन ट्रैवलिंग. दिस न्यू ईयर आई डिड इन अहमदाबाद, आई परफॉर्म फॉर कंट्री क्लब. सो डांस शोज एंड ऑल तो आई कीप ऑन डूइंग बट नाउ आई वॉन्ट टू गेट इन टू फिल्म, आई वॉन्ट टू डू बेटर प्रोजेक्ट्स, आई वॉन्ट टू साइन बेटर बैनर्स. And I want big makers to take me seriously. Okay, जैसे आप कह रही हैं, आपको लगता है कि as an actor या as an individual या as a जैसे जिस तरह की आप number वगैरह करती हैं या acting की बात करें, अभी भी बहुत potential है आप में as an actor. किसी ने देखा नहीं है, निकाला नहीं है. Do you agree with this? कि बहुत कुछ है श्रद्धा शर्मा दे सकती हैं, लेकिन no one is looking at it. आई थिंक वैन जब भी कोई एक्ट्रेस आइटम सॉन्ग करने लगती है या डांस शोज ज़्यादा करने लगती है तो ये सोचा जाता है कि शी इज़ ओनली गुड एट डांस. उनके एक्टिंग टैलेंट को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता. जबकि आई स्टार्टेड माई करियर सीरियल से शुरू किया था. आई डिड सुनो हर दिल कुछ कहता है एज अ मेन लीड ऑन सहारा वन, देन आई डिड सारथी ऑन स्टार प्लस. बट बिकॉज आई एम डूइंग सो मेनी डांस शोज एंड पीपल नो मी एज अ आइटम डांसर, सो आई थिंक ऐसा कुछ है कि उन्हें लगता है कि श्रद्धा शायद एक्टिंग नहीं कर पाएगी. बट मैं सबको बता दूँ कि माई बैकग्राउंड इज़ आई हैव डन थिएटर and I have worked a lot on my acting. So basically I want to concentrate on acting only, but whatever good songs come my way I'm not going to say no to them. So that's how it is. Thank you so much. Thank you. वाकई में टेंशन है या कॉमेडी? नहीं नहीं, फुल कॉमेडी है, कॉमेडी फिल्म है. कास्टिंग की अगर बात करी जाए, सब नई स्टार कास्ट है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, नए स्टार कास्ट हैं, उनको भी चांस मिलना चाहिए. और हमने हमारा कोई भी ऐसा नहीं है कि नई कास्टिंग करी है, कोई सब काम करे हुए हैं पहले से ही और सब ने कोर्स वगैरह कर रखा है, अच्छी एक्टिंग की है, अच्छी फिल्म बनाई है. श्रद्धा शर्मा से अगर श्रद्धा की बात करी जाए, वो जब फिल्म का हिस्सा बनती है या आइटम सॉन्ग करती है, कितना फ़ायदेमंद होगा फिल्म के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि तुलना की जाए तो श्रद्धा शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों का पसंद आएगा पब्लिक को. किस तरह की फिल्म होगी ये? कॉमेडी, रोमांस, रोम-कॉम होगी या किस तरह की? ये फुल कॉमेडी फिल्म है. अगर स्टोरी की बात करी जाए, आए दिन फिल्में आती हैं, कॉमेडी बेस पे फिल्में आती हैं, आपकी फिल्म की अगर बात करें किस तरह से अलग होगी, जुदा होगी बाकी फिल्मों से? मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो पब्लिक ऑडियंस देख के ही बताएंगे कि कैसी होगी, लेकिन ये पक्का है कि कोई गलत नहीं बताएगा, अच्छी फिल्म बताएगा. थैंक यू सो मच. आइए. ओके, ओके, थैंक यू. ओके, किस तरह से हाउ दिस फिल्म हैपेंड, किस तरह से लव इन टेंशन?
Actually, Love Intention is a romantic comedy and our target is to entertain the audience. Okay, आप शुरू से फिल्म बनाना चाहती थी और फिल्म कैसे हुई अगर फिल्म की बात करूँ Love Intention की किस तरह से जन्म हुआ कि हाँ फिल्म बनाने जा रहे हैं Love Intention नाम रखेंगे ये स्टार कास्ट how this whole thing happened किस तरह से हुआ सर फर्स्टली हम लोगों को स्टोरी मिली स्टोरी पे डिस्कशन हुआ उसके बाद जब कास्टिंग की बात आई तो स्टार्स की बात आई और स्टार्स में मुझे लगता है कि अगर हम बात करें जो सुपर स्टार्स हैं तो उनको तो हमारी फिल्म अफोर्ड नहीं कर सकती फ्रेंकली स्पीकिंग क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हम लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए और ये सब तो हमारे साथ भी वही है हम एक अंडर बजट फिल्म बनाना चाहते थे और अच्छी फिल्म बनाना चाहते थे और वो अच्छे स्टार्स के साथ बने तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप नए स्टार्स की बात करते तो किसी ना कहीं से तो शुरुआत की है ना माई स्टोरी स्क्रीन प्ले डायरेक्शन एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंट दैट इट विल बी रॉक ओके श्रद्धा जब फिल्म का हिस्सा बन जाती है जब यू नो एक ट्रेंड है कि आइटम सॉन्ग होता है तो एक ऑडियंस टारगेट ऑडियंस बहुत पहुंचती है हिस्सा बनती है श्रद्धा शर्मा जब फिल्म का हिस्सा बनती है आइटम सॉन्ग करेंगी तो कितना फायदा होगा फिल्म के लिए क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ डायरेक्टर अब फायदा और नुकसान तो रिलीज के बाद ही करें क्योंकि अपना बच्चा किसी को बुरा नहीं लगता और फिल्में तो है डायरेक्टर का बच्चा होती है तो मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगी लेकिन जहाँ तक बात है आइटम सॉन्ग की जब रिकॉर्ड होके आया तो एक होता है कि हमें किसको लेना है तो उसके लिए श्रद्धा सबसे बेस्ट थी तो इसीलिए हमने उनको लिया कास्ट किया है सिचुएशनली मैं वही उसी बात पे आ रही थी कि हमने सिचुएशनली डाला है ज़बरदस्ती नहीं डाला है क्योंकि एक सिचुएशन आके ऐसा फंसता है कि जहाँ पे हमें आइटम सॉन्ग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और जब आप फिल्म देखेंगे तो बाकी में आपको लगेगा कि ये ऐसा ट्रेंड नहीं है कि हमने घुसा दिया है स्पेशली हमने हमारी स्टार कास्ट थी और हमारी मांग थी स्टोरी की इसीलिए हमने उसको डाला है लव इंटेंशन में उनको बहुत सारा ह्यूमर मिलेगा बहुत सारा एंटरटेनिंग मिलेगा और नई स्टार कास्ट मिलेगी तो जस्ट प्लीव एंड जस्ट कम एंड वॉच थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू थैंक हाय हाउ आर यू टेल अस द वेरी फर्स्ट फिल्म लव इंटेंशन एब्सोल्युटली हाउ इज द फीलिंग ऑल टुगेदर यू नो प्रमोशन हैज स्टार्टेड द फीलिंग इज यू नो किसी की भी फर्स्ट फिल्म होती है चाहे वो सलमान खान की फर्स्ट फिल्म रही हो चाहे वो मेरी फर्स्ट फिल्म हो फर्स्ट फीलिंग का जो जो फील आती है वो एब्सोल्युटली मैजेस्टिक यू नो प्रमोशन स्टार्ट हो गई है हमारे डायरेक्टर मिस्टर रादर मिस गीता तोमर और असिस्टेंट डायरेक्टर राइटर प्रकाश जिंग जी हमारे साथ हैं प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ हैं तो इतने माइक्स के सामने बोलना आई एम श्योर किसी भी इंसान के लिए चाहे वो आप हों चाहे वो मैं हूँ या कोई भी बड़े से बड़ा स्टार रहा हो उसके लिए हमेशा फीलिंग ये आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है फॉर श्योर आयुष आपके किरदार की अगर बात करते हैं क्या किरदार निभाते हैं आप नजर आएंगे कॉमेडी जॉनर बहुत फेमस है और बनती रहती है एब्सोल्युटली किस तरह से ये फिल्म अलग होगी बाकी देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो अलग होता है एक फिल्म में क्योंकि मैं भी एज अ व्यूअर बहुत सारी फिल्में देखता आया हूँ तो हुसैन साहब ने जब प्यार किसी से होता है दिल दे के देखो कारवां सेम स्टोरी पे डिफरेंट फिल्में बनाई सेम स्टोरी पे डिफरेंट फिल्में जो अलग होता है वो मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट का फ़र्क होता है हमारी फिल्म और आपने एक सवाल पूछा था अभी गीता जी से कि नए स्टार्स के साथ आप बना रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आजकल तो नए स्टार्स का ज़माना है जितने भी नए स्टार कास्ट आ रही है जितने भी नए लड़के आ रहे हैं चाहे वो वरुण धवन हो चाहे वो रणवीर सिंह हो पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट कर रही है उन्हें देखना पसंद कर रही है बजाय कि पुरानी फिल्में ऐसा नहीं रहा कि स्टार्स के साथ ही नई फिल्में हिट हो रही हैं अभी बहुत सारी अब करण जौहर की इतनी बड़ी फिल्म आई इमरान खान करीना कपूर के साथ लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा नहीं कर पाई और नए स्टार्स के साथ फिल्म बजट में आती है व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है 100 करोड़ जनता है अगर आप अच्छा फिल्म काम करेंगे अच्छा स्टोरी होगी अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो मेरे ख्याल से पब्लिक को पसंद आएगी स्टार कास्ट पर जानी जाती है जहाँ तक मेरे किरदार की बात है एक यंग लड़का जैसे आप हमारी फिल्म के पोस्टर्स में देख रहे हैं मैंने एक प्लेबॉय का बैन वो लॉकेट पहना हुआ है पूरी फिल्म में तो एक लड़का जो कि मतलब बहुत ही मस्त मौला लड़का है जिसने बहुत ज़्यादा काम नहीं करना और बहुत जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश रखने वाला जो आजकल बेसिकली हम यंगस्टर्स से रिलेट कर रहे हैं जितने भी यंगस्टर जो कॉलेज से निकलते हैं ये एक जनरल ट्रेंड है कि बहुत जल्दी अमीर होने की सोच है आजकल सब में वो ये एक जनरल लड़का एक नॉर्मल लड़का हर एक लड़का अपने आप को मुझसे रिलेट कर सकेगा एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ओके द लास्ट क्वेश्चन यू नो Once you're done with the film, marketing or the promotion of the film become very important. Absolutely. For example, you invested 20 crore in the film. For the marketing, you require another 40 crore. Absolutely. Do you agree with this? Ki promotion, how important is the promotion? देखिए, there's no denying the fact that promotion बहुत ज़्यादा important होता है. इंडस्ट्री में अगर आप उस फिल्म को सामने रखना चाहते हैं पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं तो पब्लिक को पहले से पता होना चाहिए कि ये फिल्म मार्केट में आ रही है तो इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन
बहुत से एग्जांपल्स ऐसे भी हैं कि प्रमोशन बहुत ह्यूज नहीं हो पाता, लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी होती है एक बारी रिलीज के बाद, उससे मैजिक क्रिएट होता है। चाहे बहुत बड़े स्टार हैं, जय हो की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डे में सिर्फ 17 करोड़ थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली बढ़ती गई। इवन मंडे की कलेक्शन उनकी फर्स्ट डे की कलेक्शन से ज़्यादा थी। तो माउथ पब्लिसिटी इतना प्ले कर जाती है।